हाल ही में सरकार ने BSNL और MTNL को लेकर जो फैसला लिया है उससे उनके कर्मचारियों और ग्राहकों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार इन दोनों सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने इन दोनों सरकारी कंपनियों को बंद करने की सलाह दी है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार से है, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने संकट से उभरने के लिए सरकार से 74,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज मांगा तो वित्त मंत्री सीतारमण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इन्हें बंद करने की सलाह दे डाली। आपको बता दें कि कुछ ही महीनों से एयर इंडिया और BSNL दोनों ही संकट का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि BSNL पर 14,000 करोड़ की देनदारी है, वहीं वित्त वर्ष 2017-18 में BSNL को 31,287 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अभी BSNL में 1.76 लाख कर्मचारी कार्यरत। कंपनी में इस तरह के संकट के कारण कर्मचारियों पर अनिवार्य रिटायरमेंट की मुसीबत आन पड़ी है। माना जा रहा है कि अगले 5 सालों में कर्मचारियों की संख्या 75,000 रह जाएगी। फिलहाल वित्त मंत्री ने इन दोनों सरकारी कंपनियों को बंद करने की सलाह दी है। इन कंपनियों को बंद करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आर्थिक संकट जारी है। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी इन दोनों कंपनियों में निवेश करे। सरकारी कंपनी के बंद होने के हालातों को लेकर इसमें 3 तरह के कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें पहले प्रकार के कर्मचारी वह हैं जो कंपनियों द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किए गए हैं। वहीं दूसरे प्रकार के कर्मचारी वो होंगे जो दूसरी सार्वजनिक इकाइयों या सरकारी विभाग से इन कंपनियों में आए हैं। जबकि तीसरे प्रकार के कर्मचारियों में इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के अधिकारी आते हैं। हालांकि कंपनी बंद होने की स्थिति में तीसरे प्रकार के कर्मचारियों को अन्य सरकारी कंपनियों में तैनात किया जा सकता है, परंतु दूसरी ओर सीधे ही नियुक्त किए गए कर्मचारी क्योंकि जूनियर स्तर के कर्मचारी है तो सरकार उन्हें जबरन रिटायरमेंट देने का विचार कर सकती है। देखा जाए तो सरकारी कंपनियों पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज इन्हें बंद करने की नौबत आन पड़ी है। BSNL और MTNL के मौजूदा हालात के पीछे देखा जाए तो सरकार का योगदान ज्यादा है। खैर, अब देखना यह होगा कि जिन कर्मचारियों को सरकार जबरन रिटायरमेंट देगी अब उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।